17 जुलाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक के लिए दौसा पहुंचे। सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा उपचुनाव पर मंथन किया। इस दौरान सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। सीपी जोशी बोले कि राहुल गांधी गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सीपी जोशी बोले कि हिंदू को आतंकी और हिंसक कहने पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भारत चीन की सीमा पर तनाव होता है, इनका वो मन बुद्धि राहुल गांधी वो चीन के नेताओं से मिलने चला जाता है। कांग्रेस ने इतने पाप किए कि वो जनता की आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सुनिए सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा। आप सबसे विनती है, ये कैसी चोरी है जो इसीलिए का लैपटॉप करती है? ये कैसी चोरी है जो नीचे तक अपनी बात को केंद्र और राज्य की बात को पहुंचाने का मामला रखती है? ये कैसी चोरी है जिनके नेतृत्व में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, नगर पंचायत का चुनाव भी होगा? सीपी जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दौसा विधानसभा उपचुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान जोशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जोशी बोले कि कांग्रेस ने लोकसभा के समय जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता मान चुकी है और दौसा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, राजेंद्र राठौर और दूसरे भाजपा के नेता सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज। शुक्रिया।